हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं हूं सूरज रास। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। यदि आप 2021 के एग्जाम में, जो 2021 में आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो रहा है, या फिर बैक पेपर देने वाले हो, आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए वीडियो है। और जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन सभी छात्रों से जिसका भी एमसीक्यू है, वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। ठीक है, वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बीए का हो, बीएससी का हो, बीकॉम का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाओ जल्द फटाफट डाउनलोड कर लो, अभी इसी वक्त आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सच बता रहा हूं, यदि आप उतना ही पढ़ लेते हो जो मैं, हमने एमसीक्यू दे रखा है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मतलब फेल करने वाला कोई पैदा है ही नहीं। सच बता रहा हूं, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे वहां से। मैं आपको कह रहा हूं 75% प्लस ले लो वहां से। 75% बिल्कुल आराम से मिलेंगे, बिल्कुल आराम से, जिसे कहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, या उत्तराखंड से भी हो, तो भी कह रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सेमेस्टर वाइज हो गया फर्स्ट ईयर वालों का, उनका भी हम क्लियर कर रहे हैं। बहुत जल्दी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो वीडियो है वो इंप्रूवमेंट एग्जाम 2021 के लिए है। वो फर्स्ट ईयर, मैंने एक्चुअली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए वीडियो बना दूंगा, चिंता मत करो। जो सेकंड ईयर में है, जिसने बैक पेपर या इंप्रूवमेंट डाला है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं क्वेश्चनों को बता रहा हूँ जो याद करके जाना है तुम्हें हाल ही में। देखो, मैं और हर बार में यही कहता हूँ कि आपको कॉपी को छोड़ के नहीं आना है, खाली छोड़ के नहीं आना है, कॉपी को पूरा भर के आना है। तुम्हें याद हो या ना हो मुझे पता नहीं, क्या लिखोगे लिख के आना है, लेकिन उस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड लिख के आना है। फालतू कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि पता नहीं कहाँ की रामायण पेल दो, वो नहीं करना है। बस जो सब्जेक्ट का पेपर है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि याद है, तो आपको पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको याद है। 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे हम, पहले स्टार्टिंग वो करना है, उसके बाद में वो लिखना है जो तुम्हें नहीं भी आ रहा है तो भी करके आना है, मतलब क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि वहीं से आपको नंबर मिलेंगे। कॉपी पूरी भरी होती है भाई, अच्छे नंबर मिलते हैं, याद रखना कभी। ठीक है, आजकल कॉपी ऐसी पता नहीं कौन सी बियर पी के, समझ लो कॉपी चेक होती है, ये पता नहीं चलता, सब ताले दारू पिए हुए होते हैं वो, मुझे तो ये लगता है। जो बच्चे अच्छी खासी कॉपी लिख के आते हैं उसको भी फेल कर देते हैं। ठीक है, तो वह कुछ नहीं देखते क्या लिखा है उसने, अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, बस ये देखते हैं कि कॉपी कितनी भरी हुई है। अच्छे टीचर के हाथ में आ गई तो कोई बात नहीं, नहीं कह सकता वो क्या कह रहा है, लेकिन सब साले ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको पता है जब फेल हो रहे हो, तुम यार अच्छा लिख के आ रहे हो फिर भी फेल हो रहे हो, उसका कारण क्या है? ठीक है, वो सब टीचर की वजह कमी है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ देखो, बीएससी थर्ड ईयर की वालों की फिजिक्स का फर्स्ट पेपर की बात करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ देखिए फर्मी ऊर्जा को याद करेंगे, और इसके स्तर को भी, या लेवल क्या होता है वो आप देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में माइकलसन नॉर्ले का प्रयोग को याद करके जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नीचे जाएंगे फटाफट, और हम आदर्श गैस समीकरण को नीचे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है, कहीं से भी है, या एमजेपीआरई रोहलखंड से है, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, जिसकी मतलब की रिटन एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, फर्मी जो रिडाक वितरण होता है, एक होता है विकरण। देखिए, फर्मी रिडाक विकरण, एक होता है वितरण, इन दोनों को याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप याद करेंगे, लॉरेंजरी रूपांतरण को याद करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे बोलते हैं। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे, और वेन जोड़ प्रमेय क्या होती है इसको आप पढ़ लेना एक बार। लॉरेंजरी रूपांतरण मैंने ऊपर बता दिया, तो उसका देखिए यहां भी उपयोग नियम के बारे में दे रखा है, कोई बात नहीं, उसी एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आप सबको चाह जाओगे लॉरेंजरी रूपांतरण जो क्या होता है। ठीक है, समीकरण क्या होती है वो सब उसमें आपको देखने को मिलेगा। और नीचे हम जाने के बाद में यहाँ नीचे जाएंगे, और लंबाई संकोचन को छोड़ो, आदर्श समीकरण मैंने आपको बताया, आदर्श गैस समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको देखेंगे, प्रोबेबिलिटी जो होती है, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में संबंध, ये प्रोबेबिलिटी वाला ये आप देखेंगे, प्रयोक्ता बोला जाता है इसको। और उसके बाद में देखिए, मैंने आपको बताया था वितरण और विकरण नियम के बारे में, ये अच्छी तरीके से आप याद करेंगे, जो भी मैं ऊपर बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में 100% बनता है। उसके बाद में देखिए, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम, जो नियम है उसका निगमन, ये आप पढ़ लेंगे। पृथ्वी के जड़त्व फ्रेम को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखिए, प्रोबेबिलिटी मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, ठीक है, एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में क्या संबंध होता है, वो वहीं से आप पढ़ लेंगे, तो उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। द्रव्यमानहीन कण क्या होते हैं, ठीक है, आप इसको देखेंगे, पार्टिकल्स जो होते हैं, मासलेस जो पार्टिकल्स से बोला जाता है वो आप देखेंगे। और जैसे बोल्ट जमीन एंट्रोपी में संबंध क्या होता है इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें संबंध देखने को मिलता है कि भाई जो ms जिसे स्पीड एंड मोस्ट प्रोबल जो स्पीड वैल्यू होती है, जिसे हम कहते हैं गति, मतलब कि गति और गति के मान, हिंदी में लिखा होता है गति और गति के मान के बारे में, ठीक
आप डिस्कस कीजिए वहां को, या फिर आपसे पूछेगा गति या वेग का वितरण के बारे में, मतलब उसमें व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से आपको लिख के आएगा। तो ये आप दोनों अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसके बारे में। और नीचे क्या है आपका, देखिए एंट्रोपी डॉपलर पृथक्करण, कोई दिक्कत नहीं है। ताप की गतिज अधिकरण क्या होता है, इसको आप रट लेके जाना, इन क्वेश्चनों को रटने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आप जो दिल में करता है, आपका दिल करता है, फिर भी पढ़िए उस चीज को, एक बार पढ़ लेंगे तो उसको बना बना के जरूर लेके आएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को रट लेते हैं। तो गैलीलियो के संरक्षण के नियम के बारे में आप देख लेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से देख के जाएंगे। और कुल ऊर्जा के साथ प्रयोग करना, इसको छोड़िए। साथ ही देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी के बारे में जो बताया था, इसका सिद्धांत जो ऊपर, वही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे, सिद्धांत के बारे में जो मैंने ऊपर बताया था, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी के बारे में यही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वोल्ट जमीन एंट्रोपी संबंध देख लेना, इसको एक बार पढ़ लेना। और यहां से वेग वितरण नियम के बारे में बता दिया, सूक्ष्म अवस्था के बारे में देख लेना, ठीक है। ये बस इतना पढ़ लेना, बाकी कुछ यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से सारा का सारा आपका आ जाएगा। आइंस्टीन के प्लैंक वितरण नियम के बारे में ये थोड़ा सा एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। वेग के साथ द्रव्यमान की भिन्नता क्या होती है, मैंने आदर्श गैस आपको समीकरण बता दी, आदर्श गैसें क्या होती है उनके समीकरण के बारे में। देखिए आदर्श गैस दे जो है यह, ये वाला देखिए क्वेश्चन, यहाँ मैंने आपको बता दिया आदर्श गैस क्या होती है, ये आपको यहाँ याद कर लेंगे। बस इतना इसमें से पढ़ लीजिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे नंबर से यहीं से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे नंबर से, ठीक है। बाकी इसके सेकंड पेपर को हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर रहे हैं, जिसका भी सेकंड पेपर है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी तीनों पेपर करा रही है, कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती है कि भाई वो एक ही पेपर कराती है, मतलब पहला और थर्ड पेपर, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचली फर्स्ट और थर्ड करा रही है, बाकी सेकंड पेपर नहीं कराएगी, क्योंकि उसने सेकंड पेपर मैन एग्जाम में ही नहीं लिया था इसलिए, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर आप टिक लगाएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू।